अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नेहा जुने किचन। आज मैं आपके साथ में बहुत ही मज़े की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये काफ़ी दफ़ा मैंने इसे ट्राई किया है ताकि मुझे एग्जैक्ट वैसे ही टेस्ट मिले। अभी मैं आपके साथ में ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। हम बनाएंगे रबड़ी वाला मालपुआ। इस रबड़ी के साथ में ही हमने ये मालपुए को भी बनाया है और साथ ही ऊपर भी हम डाल के सिखाएंगे। ये रबड़ी 99% सेम रेसिपी है जो हम बाहर खाते हैं। घर में बनने वाला बेहतरीन सा मालपुआ है। आप इस रेसिपी को बनाइए, आप इसे 5 to 8 मिनट्स में बना सकते हैं। बहुत मज़े की रेसिपी है। इतना सॉफ्ट ये मालपुआ बनता है, इसे खा के 100% आप सबको बहुत मज़ा आ जाएगा। यहाँ पे हम बना रहे हैं रबड़ी, उसके लिए मैंने 1 लीटर मिल्क ले लिया है। उसमें हम डाल देंगे सैफ्रॉन, आपको जितना डालना है उतना डाल सकते हैं, 2 पिंच या 1 पिंच भी डाल सकते हैं। कितना आपको येलो कलर चाहिए रबड़ी का उतना आप डालें। यहाँ पे हम डाल देंगे 1/4 कप मावा। ये मावा थोड़ा सा स्वीट है, हमने इसे 1/4 कप लिया है। आप यहाँ पे अनस्वीट मावा जो मिलता है वो भी आप डाल सकते हैं। देखिए दूध में एक बॉयल आ गया है, फिर हम इसमें मावा भी ऐड कर देंगे। मावा ऐड करने के बाद में इसे अच्छे से हम स्टर करेंगे। आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, दूध बिल्कुल भी नहीं फटता है। अच्छे से स्टर कर देंगे ताकि मावा हमारा डिजॉल्व हो जाए। देखिए ये ब्राउन कलर का मावा था, इसके लिए हमारा मिल्क हल्का सी ब्राउन दिख रहा है आपको, लेकिन ये रबड़ी येलो ही बनती है। यहाँ पे हम डाल देंगे शुगर, मैंने थोड़ी सी कम शुगर डाली हूँ क्योंकि मेरा मावा मीठा था। अगर आप अनस्वीट मावा डाल रहे हैं तो इसमें आप शुगर थोड़ा सा ज्यादा डालें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे हम डाल रहे हैं 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर, अच्छे से स्टर कर देंगे। बहुत मजे की बनती है, आप इसे प्लीज बनाइए, आपको मजा आ जाएगा। यहाँ पे हम डाल रहे हैं 2 ब्रेड के स्लाइसेस, अच्छे से छोटे छोटे पीसेस कर देंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे, साइड के एजेस हम निकाल देंगे क्योंकि वो डिजॉल्व नहीं होते हैं जल्दी, इसके लिए बीच का जो व्हाइट पार्ट होता है ब्रेड का सिर्फ वो ही डालेंगे। आप टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना क्योंकि जो ये ब्रेड के आपको पीसेस दिख रहे हैं ना, वो भी हम अच्छे से विस्क करने के बाद में ये भी चला जाएगा। जो कंसिस्टेंसी रबड़ी की आपको बाहर से आप खाते हो सेम वैसी ही बनेगी। बहुत बेहतरीन रेसिपी, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, प्लीज आप इसे बनाइए। यहाँ पे हमने 1/2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ले लिया है क्योंकि रबड़ी थोड़ी सी थिक अच्छी लगती है, तो हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा डिजॉल्व करके। अच्छे से स्टर करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, फिर हमारी रबड़ी रेडी हो जाएगी। इसे हम फिर ठंडा कर देंगे एकदम चिल। इस रबड़ी से मैंने 2 बेहतरीन डेजर्ट बनाई हूँ। एक तो हम अभी बना रहे हैं रबड़ी मालपुआ, दूसरा हमने बनाए हैं कैरेट का हलवा, लेकिन उसको हमने सैलेड तरीके से बनाए हैं। देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मेरे पास यहाँ पे टोटल 1/2 कप और 3 टेबल स्पून भर के यहाँ पे हमारे पास टोटल रबड़ी बची है दूसरे डेजर्ट को बनाने के बाद। तो मैंने क्या की हूँ, उसमें से सिर्फ 3 टेबल स्पून रबड़ी अलग से निकाल दी हूँ और बाकी की हाफ हाफ कप रबड़ी हमने रखे है क्योंकि उसमें हमें मालपुआ बनाना है। यहाँ पे हम चाटनी बना रहे हैं 1 कप वाटर, इसमें हमने शुगर डाल दिया है, सैफ्रॉन, इलायची, उसको पकने रखेंगे। देखिए सेम हमने रबड़ी में 1 टेबल स्पून रवा, 1 टेबल स्पून बेसन, 1/2 कप आटा, गेहूं का आटा भी यूज़ कर सकते हैं, मैदे का आटा भी यूज़ कर सकते हैं, पिंच ऑफ सॉल्ट, क्योंकि स्वीट में थोड़ा सा सॉल्ट अगर डालोगे ना तो वो बैलेंस हो जाता है स्वीट। इसमें हम डाल देंगे मिल्क, आप रॉ मिल्क भी डाल सकते हैं। 1/4 कप जितना मिल्क है उसे हम धीरे धीरे करके डालेंगे, एक साथ बिल्कुल भी नहीं डालें। अगर 1/4 कप से थोड़ा भी ज़्यादा अगर आपको लगे, 1 टेबल स्पून भी लगे, तो भी आप ऐड कर सकते हैं। देखिए अपने आटे की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है कि हमारा आटा कैसा है, किसी आटे में कम दूध लगता है, किसी में ज़्यादा लगेगा, लेकिन इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल रनी सी होनी चाहिए। विस्क यूज किया है ताकि कोई भी लम्स नहीं रहे, एकदम स्मूथ सा हमारा ये आटा बने। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत मेहनत लगती है कुकिंग वीडियो बनाने के लिए,
आप बस सपोर्ट करें ताकि जल्दी से हम हमारे 1000 सब्सक्राइबर का गोल कंप्लीट कर सकें। ये देखिए, इस तरह से रनिंग होना चाहिए हमारा बैटर। ज़्यादा थिक नहीं रखे, ज़्यादा पतला भी नहीं रखे। देखिए, चाशनी हमारी हाफ हो गई है, इसका मतलब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा करने रख देंगे। पैन में हमने घी डाल दिया है, आप यहाँ पे ऑयल से भी फ्राई कर सकते हैं। मैंने स्पेशली घी का यूज़ किया है क्योंकि स्पेशल तरह की हमारी ये रबड़ी मालपुआ बनता है, तो उसको हम घी में फ्राई करेंगे। ये मालपुआ अगर बाहर खाने जाओगे तो आपको कितना महंगा मिलेगा, और आपने देखे कि कितने घर के इंग्रेडिएंट्स के साथ में ही हमने इसे प्रिपेयर किया है। देखिए, एक ही स्पून का मेजरमेंट रखेंगे, सेम साइज के बनेंगे। जितनी आपके पैन में जगह है उतना ही डालना, क्योंकि इसको बनने में टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है। बहुत फटाफट से ये अच्छे से ब्राउन हो जाते हैं, तो इसके लिए हम 3 ही पीस डालेंगे। इस पैन में 4 पीस आ सकते हैं, ये 28 सेंटीमीटर का पैन जो होता है वो है, लेकिन हम सिर्फ 3 ही डालेंगे ताकि अच्छे से फ्राई हो जाए। इसे हम टर्न कर देंगे, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है हमें, टर्न कर देंगे हम। देखिए, सिर्फ बेसन, रवा और आटा, चाहे आप मैदे का लो या गेहूं का लो, ये घर में अलहमदुल्ला सबके अवेलेबल होता है। बस इन इंग्रेडिएंट के साथ में हमने ये मज़े का मालपुआ बनाया है। बस आपको रबड़ी में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बाकी इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। अगर आपको बाहर की रेडीमेड रबड़ी जो होती है उसका देखना है तो वो भी मुझे कमेंट करें। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं होता है, तो हम कुछ रेडीमेड चीज़ें भी ला के बना सकते हैं। लेकिन आप रबड़ी जब कोई गेस्ट आ रहा है तो एक दिन पहले भी बना सकते हैं, या फिर ज़्यादा बना के आप इसकी कई तरह की रेसिपीज बना सकते हैं। जैसे हमने ही 2 रेसिपीज बनाए हैं, और दूसरी रेसिपी आप इसी वीडियो के एंड में देखेंगे और वो आपको बहुत मज़ा आएगा। बस इस वीडियो के बाद में वो ही वीडियो मैं अपलोड करने वाली हूँ। वो इतनी मज़े की रेसिपी है कि मेरी बाकी की जो रेसिपी जो पेंडिंग है वो भी मैं बाद में अपलोड करूँगी, लेकिन उसे मैं पहला कर दूंगी क्योंकि बहुत मज़े का टेस्ट है उसका। देखिए, चाशनी भी हमारी थोड़ी सी ठंडी हो गई है, सारा एक्सेस ऑयल निकाल देंगे, फिर हम चाशनी में डिप करेंगे, वरना बहुत ज़्यादा ऑयल फील होएगा आपको। ज़्यादा हमें चाशनी के अंदर बिल्कुल भी नहीं रखना है, बस इस तरह से टर्न करके हम इसे निकाल देंगे। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज इंशाल्लाह मैं आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगी। देखिए, ये हो गए हैं रेडी, हम इसको निकाल देंगे। सेकेंड बैच भी हम इसी तरह से फ्राई कर देंगे। ब्राउन देखे हमने बिल्कुल भी नहीं किया है, आप भी नहीं करें। ये सारा हमने अच्छे से चाशनी में डिप करने के बाद में सर्विंग प्लेट में इसे हम सर्व कर रहे हैं। ये देखिए, रबड़ी के हमने जो 3 टेबल स्पून भर के निकाले ना, वो भी बाद में आपको कम पड़ेंगे। आप चाहे आप इसको अगर फुल रबड़ी में डिप करके भी खाएंगे ना, वो तो लाजवाब लगेंगे, बट हमने सिर्फ 3 टेबल स्पून निकाले थे। दूसरे डेजर्ट के लिए भी हमें रखना था, लेकिन आप बनाइए प्लीज़, इसे बनाइए, बहुत अच्छी रेसिपी है। कोई भी ओकेजन की आपको ज़रूरत नहीं है, आप बस ऐसे भी घर में बना के खा सकते हैं। देखिए, यहाँ पे हमने ऊपर रबड़ी रख दिया है। ये देखिए, आपने चाशनी में जो हमने सैफ्रॉन डाले थे ना, उसको हम वेस्ट नहीं करेंगे, तो वो निकाल के एज अ डेकोरेशन भी आप लगा सकते हैं। देखते हैं, मेरे देखिए बाहर का लगता है ना बिल्कुल। ऊपर से हम पिस्ताचू डाल देंगे, जो भी आपको ड्राई फ्रूट पसंद है आप डाल सकते हैं। मेरे हिसाब से सिर्फ इसमें एक चीज़ की कमी है ताकि ये बाहर के जैसा लगे बिल्कुल, तो सिल्वर जो कोटिंग आती है ना मिठाई के ऊपर, बस वो एक हल्की हल्की सी लग जाती तो शायद से ये सेम बाहर के जैसा लगता जो हम किसी रेस्टोरेंट में खाते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। मेरी दूसरी जो डेजर्ट है उसका बस छोटा सा क्लिप आप देख लें, ताकि आप जो नेक्स्ट वीडियो हमारी वही आएगी आप देख सके। इसे कैसी लग रही मुझे ज़रूर बताना। बच्चों की ये डेजर्ट तो फेवरेट है, मेरे बच्चों ने भी फर्स्ट टाइम इसे खाए थे लेकिन बहुत इंजॉय किए थे। ये देखिए कितना सॉफ्ट है, कैसा भी हमारे मालपुए को फोल्ड कर ले वो हो जाएगा क्योंकि इतना सॉफ्ट है। और साथ ही ये हमारी रबड़ी, आपको जो भी मिठाई का फ्लेवर की क्रेविंग हो रही है ना, तो ये खाने के बाद 100% आपकी वो क्रेविंग दूर हो जाएगी, क्योंकि जो रबड़ी में और जो मालपुआ में जो फ्लेवर है ना, वो आपका ये खाने के लिए आपके लिए काफ़ी होगा।
देखिए इसकी मैंने एग्जैक्ट आपको मैंने रेसिपी का नाम नहीं बताया है। फिलहाल के लिए आप इसे कैरेट फ्रूट रबड़ी सैलेड भी बोल सकते हैं, या फिर इसको डिलाइट भी बोल सकते हैं। इसको जब अपलोड करूंगी तब उसका मैं एग्जैक्ट नाम सोच के आपको बता दूंगी। साथ ही हमने फ्रूट का भी बनाया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। बाय।